छोटा बिग बॉस का चौथा दिन। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। कैसा चल रहा है माहौल छोटा बिग बॉस एमसी हाउस के अंदर? अच्छा चल रहा है, खतरनाक। अच्छा चल रहा है। हाँ। छोटा बिग बॉस ने आपकी कल की सारी एक्टिविटियां देखी, उसमें छोटा बिग बॉस को इशू का माइंड बहुत पसंद आया। इशू ने कल अपना माइंड यूज किया था। हाँ। की ये थी पर तूने पहना। मैंने दिमाग लगाया, माइंड लगाया और उसको लड़की की ड्रेस पहनानी। अब तो बहुत अच्छा माइंड लगा, बहुत अच्छे तरीके से माइंड यूज किया था। आप सभी को मैं बता देता हूँ, कोई भी टास्क मिले, कैसा भी टास्क मिले, आप सभी को सबसे पहले अपना क्या यूज करना है? माइंड। कि उस माइंड को अपन कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ। उस टास्क को अपन कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपना माइंड यूज करके। और चालाकियां दिखानी है। लोमड़ी को देखा, लोमड़ी को कैसे चालाक होती लोमड़ी, वैसे आपको चालाक बनकर हर टास्क कंप्लीट करना है और टास्क को जीतना है। यीशु कल के लिए वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे ही सभी को करना है। आपने बहुत अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट किया तो उसमें आप बहुत अच्छे भी लगे थे। कमेंट आ रहे थे बहुत सारे। कुणाल ने अपना गेटअप बहुत अच्छे से सेट किया है। ऐसा गेटअप मिलने के बाद बहुत अच्छे से सेट किया है, वरना सभी के पास तो अपनी अपनी ड्रेस थी, लेकिन आपके पास कुछ अलग सा ही हाथ लग गया था। आज एक एक चीज थी, एक साड़ी थी, एक लहंगा था, एक स्टोल था। लेकिन कुणाल ने बहुत अच्छे से उसको अरेंज किया और अच्छा सा गेटअप लिया। तो छोटा बिग बॉस को ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपकी। तो छोटा बिग बॉस इसी बेस पर आपको एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं। क्या है? पूछोगे नहीं? बताओ कौन कौन खुश है कि छोटा बिग बॉस कुणाल को प्लस पॉइंट दे रहे इस बात पे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत सिर्फ अंतिम आप खुश है। ठीक है, तो छोटा बिग बॉस ने ये डिसाइड किया है, कुणाल आप सभी के लीडर बन गए हैं आज। यस। जब तक छोटा बिग बॉस का नेक्स्ट डिसीजन नहीं आता है तब तक। ओके, तो अभी मैं बुलाता हूं आज के नए वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले को। वेलकम है आपका छोटा बिग बॉस में, आ जाइए। सुनो, छोटा बिग बॉस कौन होस्ट कर रहा है? आप मैं कर रहा हूं, तो मैं गेट को ऑन करूंगा तभी तो ऑन ऑफ। हाँ, गेट को ओपन करूंगा तभी तो आएगा ना, या फिर आएगी। ओके, यहाँ से लोग कर रखा है, हर कोई आ जाएगा बाहर से। वेलकम आपका नए गेट या फिर कंपटीशन बढ़ाने के लिए इन सभी का आ जाइए। वेलकम आप सभी का। आप सभी को पता है जब तूफान आता है तब क्या होता है? पहले तूफान आता है तब सन्नाटा नहीं होता, सन्नाटा शांति हो जाती है। ऐसे ही अभी शांति हो रही है ना, कोई नहीं है तो आ जाइए। वेलकम है आपका, वेलकम। हेलो, अब आ गई असली खतरा। खतरा नहीं है तू। थैंक यू बिग बॉस। ओके बैठो। कैसे बिग बॉस? अब बताती हूँ कैसे लड़की की बातें। थैंक यू सो मच।
अब बताती हूँ तेरे को, तो आती है लड़ने की बातें थोड़ी देर बैठ। अरे तो आती है, अब आती है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ी देर बैठ जाइए, असली गेम तो शुरू हुआ है। ओके बैठ जाइए, अभी जब बोल नहीं जाता है इधर आ, जगह नहीं है, नीचे बिठा दो, मुझे बिठाती हूँ, नीचे दो, नीचे नहीं तो सीधा बाहर बिठाती हूँ। तो रिया आपका वेलकम है छोटा बिग बॉस शो में फिर से। रिया पहले दिन ही छोटे बिग बॉस एम के हाउस से बाहर हो चुकी थी क्योंकि रिया ने छोटी सी गलती कर दी थी, लेकिन रिया को फिर से मौका मिला है। मौका क्यों मिला है गाइज? आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि रिया को प्लीज़ वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। तो रिया वापस आ गई है छोटा बिग बॉस शो एम के हाउस के अंदर, और इन सभी का कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा झगड़ा यही करती है, झगड़ा पता चलता है कि स्पेलिंग आने लगी क्या तुझे? अब तो सही क्या है, अब तो बता दे, अब आप सबको सिखाने के लिए आई हूं, स्पेलिंग तो सुना दिया एक बार, अभी भी कोट कोट करेगी क्या? अरे चुप हो, एक बार स्पेलिंग तो सुना दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना वोट करने के लिए और इतनी सारी विशेस करने के लिए। मैं जब घर पे थी तब यही सोच रही थी, आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, सोच रही थी कि मेरे को रीएंटर होना है, होना है, होना है, बहुत दिनों से सोच रही थी। मतलब थोड़ा दुख भी था बट खुश भी थी आप लोगों को इतना प्यार देख के, और अब इनका खतरा बढ़ाने आई गई हूँ। अब बताती हूँ अभी अभी ये खतरा है किसका नहीं है, मुझे छोटा की स्पेलिंग बता दी, मुझे नहीं पता, शट अप चुप रह, इसको आती नहीं तो ओके। और आज ही आप सभी में से तो डेंजर जोन में जाने वाले हैं, सारे काम आज ही होने वाले हैं। हाँ। पता है? तो आज दो डेंजर जोन में कैसे जाएगा मैं आपको सारा बता देता हूँ, और आज का टास्क भी बता देता हूँ, चैलेंज भी बता देता हूँ क्या होने वाला है। आज का टास्क ये होने वाला है, जैसे लीडर रहेगा, लीडर लीडर की आंखों में पट्टी बांध ली जाएगी, समझ गए? हाँ। इस एम के हाउस के हॉल के अंदर ही, ठीक है, जहाँ पर अभी बनो यहाँ पे पट्टी बांध दी जाएगी, और सभी फैमिली मेंबर को छुपना है यहीं पर ही, ओपन यहीं पर ही, ओपन में, ओके समझ लो, जितना भी अपने पास स्पेस है उसके अंदर ओपन सभी के सामने छुपना है, ठीक है? तो कुणाल सभी को ढूंढेगा वन बाय वन, ऐसे हाथ पकड़ कर जैसे भी, समझ गए? और जिन दो के टच हो गए वो डेंजर जोन में जाने की जल्दी क्या? जल्दी क्या? अरे नहीं, थोड़ी घबराहट हो जाती है ना, थोड़ा रिस्क आज सभी के लिए है, सभी के लिए रिस्क है। रिस्क में सिर्फ कौन कौन नहीं होगा, रिया नहीं होगी, और कुणाल गेम खेल रहा ना, आप सभी को पकड़ेगा, और हम पहले से रिस्क में बैठे इसलिए नहीं होगा, और बाकी कोई भी डेंजर जोन में आज जा सकता है। आगे प्रोसेस सुनो, कुणाल की आंखों पट्टी रहेगी, कुणाल आपको 3 सेकंड मिलेंगे, 3 सेकंड, जैसे मैंने पायल को पकड़ लिया, मैं मेरी आंखों पट्टी बन रही हुई है, पायल को ढूंढ लिया, 3 सेकंड के अंदर बोलना पड़ेगा, डेंजर जोन में डाल रहा हूँ इसको मैं, कोई भी ऊंचाई आंखें, मतलब ढूंढ तो मैं कितनी देर में सकता हूँ ना, हाँ। पकड़ने के बाद बोलना है 3 सेकंड में कि हाँ मैं पायल को इसको, ऐसे नहीं कि अच्छे से देख रहे हो कौन है कौन है, और जो जहाँ पर है जिसको पकड़ा वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगा। अच्छा मेरे को पहचानना है कि कौन है ये पकड़ के, पहचानना नहीं है, पहचानना कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे बोलना है, हाँ टच कर दिया डेंजर डेंजर जोन में डाल दिया, बस नाम नहीं लेना, बस इसको ऐसे बोलना है मैं इसको डेंजर जोन में डाल दूँ, ठीक है? सिर्फ डाल सकते हो आप ओनली 2 पर्सन को, 2 जने को, ठीक है? जो भी छुपेगा, ठीक है, जो भी छुप रहा है वो एक जगह फिक्स हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कोई छुप रहा है वो यहाँ से हिलेगा नहीं, अपनी जगह पहले डिसाइड कर लो किसको कहाँ छुपना है कहाँ नहीं छुपना, ओके? गेम में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 रियाज गेम में पार्टिसिपेट, आपको एक काम देता हूँ मैं, जब तक कुणाल इधर उधर सभी को ढूंढ रहा ना तब तक आप अंपायरिंग करोगे, ठीक है? ध्यान रखोगे कि इधर उधर कुणाल टकरा ना जाए, ठीक है? मतलब और कोई चीटिंग ना करे, इधर उधर ले तो वो भी तेरे को, कोई चीटिंग वगैरह ना करे, इधर उधर ना जाए, सुना? कहीं भी छुप सकते हैं, कहीं भी जाके, हॉल हॉल के अंदर, हॉल के अंदर, इन रूम में भी नहीं, रूम में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हॉल के अंदर, ओके ओके मैं चलता हूँ, और आपके पास अभी थोड़ी देर में आंखों के लिए पट्टी और वो कॉटन पहुंच जाएगा, मिलता हूँ आपसे जल्दी, बाय बाय। और
और थैंक यू कैप्टन बनाने के लिए। और हाँ सभी अगर चुप जाओ ना तो फिर रिया को बोल देना ऐसे सारे को बोलना मत। ठीक है सारे को बोलना मत। चुप रहे। हाँ चुप क्या बात है? कुछ भी बता रहा हूँ ये। हाँ भाई क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मेरे यहाँ कितने इतना? ये तीन। ये तीन। जाओ सभी अपनी अपनी जगह पे जाओ। कुनाल मन्ना ना करे। अरे जाना। जगह पे जाओ। और कोई कुछ भी बोलेगा और अगर किसी ने कोई इशारा कोई मतलब कुछ भी पता चला ना तो वो पहले ही एडमिट हो जाएगा। चल फिर आओ चलो जाओ जाओ अरे अपनी डांस क्लास इतनी बड़ी कैसे हो गई रुको भाई रिया बता देना दीवार पे करेंगे हां हां चल बुला मेरे मेरे इधर आ इधर मेरे इधर है इधर रिया को चल तो नहीं रहा ना जगह से कोई नहीं चलता सामने जगह से अपना काम कर उधर कोई नहीं बुला दीवार है तू किसी का सपोर्ट मत लेना दीवार है तू उधर हां इधर और भी बोल दे नहीं कुनाल इसको करना चाहता हूँ नहीं ये नहीं इसको नहीं करना चाहता इसके बाद से पता चल गया कौन है इसको करना चाहता हूँ जो भी है इसको करना चाहता हूँ एक इसको करना चाहता हूँ जो भी है ये दो को करना है ना हाँ दो चुकी है दोनों नॉमिनेट हो चुके हो पट्टी खोल लो इनको करना चाहता हूँ इनको तो कर दिया अब वो बस मैं इसको करना चाहती थी तूने इसको भी कर दिया सपोर्ट कर ले अपनी बहन को बहन है मेरी मेरी बहन को सपोर्ट करूँगा बस बहन अभी तो नॉमिनेट है बहन है तो सपोर्ट करूँगा वहाँ पे करूँगा जहाँ पे सही है गलत है तो वहाँ पे अगर हाँ अगर गलत है ना तो इसको भी डांटूंगा वहाँ पे एक बात बता और यार तेरे काम क्या था कोई भी बोले आवाज करे तो उसको तेरे को मतलब सजा देनी है उसको पहले बाहर करना है इसने पहले आवाज निकाली वहां पे और वो पता है मुझे बीच में मत बोल भी अरे वाह अरे वाह अरे इस पे क्या काम कर तेरी मर्जी तो बेसा से पहले इसको कर दिया जो छोटा भी बोल अरे रुक जा तू खाई है रुको भी बोल का भी इसमें नहीं रुक जा रुक जा अरे जब इस पे बात आती तो तुझे गुस्सा आ जाता है इस पे बात आती तो दिमाग गुस्सा आ जाता है अच्छा तेरी बहन ने तब तेरे को नीचे बताया तेरी बहन ने तेरे को बताया वहाँ पे तू बोली किसी को नहीं बताया तो
वहाँ पर ये बोली तूने हाँ। इसको सजा क्यों नहीं दी? अरे भाई डेंजर आपसे रिक्वेस्ट है, आपने बोला था कि जो रिया का काम है इसको सजाइए, जो भी बोले उसको सजा देनी है, तो आपने देख लिया कि इसने रिया ने भी गलती की है और इशू का सपोर्ट लिया, इशू को बचाए, मतलब बचाए यहाँ पर, तो आपने भी कैमरे में सभी चीजें देखी, वहाँ पे कैमरा चल रहा था रिया ऊपर, रिया मैंने इसका पता कैसे चला मुझे, ये इसकी आवाज है हंसने की, तो मुझे मुझे पता था हाँ ये इशू है, अगर तेरी आवाज से पता चल गया इशू है तो इसको कोई फायदा नहीं नॉमिनेट करके, तो फिर मैंने ना आगे देखा तो ऐसे मैंने एक चीज नोटिस किया, ऐसे लाइन से चला चारों तरफ और जो पहले आए उसको कर दिया, जो पहले आए उसको, और इसने क्या बोला तेरी बहन है तो इसे ऐसे आपके कैमरे में सभी चीजें रिकॉर्ड हुई, मैंने लाइन से चला ऐसे लाइन से चला था, ऐसे लाइन से इनके सामने बोलने के लिए साइड बिग बॉस लड़की, ये बात है लड़कियों की बुद्धि घुटनों में होती है, तो इनको मैं ले थोड़ा पीछे जाओ और सभी चुप हो जाओ, राहुल आपने सभी पूरी चीजें देखी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अभी सभी चुप हो जाओ, डेंजर जोन में कौन कौन है पहले बताओ, कविता जी सामने आ जाइए, आप इधर आ जाइए, मैं पहले से ही डेंजर जोन में हूँ, तो अभी तक डेंजर जोन में कौन आ चुके हैं? ईशु, कविता एंड अंतिमा, आप अंतिमा को डालना चाहते हैं डेंजर जोन में? मुझे मतलब मैं डालना नहीं चाहता, लेकिन जो टास्क उसमें मैं आपको मम्मी कसम खा कहता हूँ, मैं कसम झूठने रियलिटी की है, मैंने आंखों पर पट्टी का चारों तरफ घूमना था, मैंने जैसे जैसे टास्क मैंने एकदम रूल से एकदम सही किया और कैमरे में दिख रहा है क्या हो रहा है ओके ना, उस छोटे बिग बॉस ने सारा सब कुछ देख लिया, आप अपनी जगह सब सही थे, लेकिन इशू आपसे आपको बोला था तो आपने स्माइल पास क्यों किया? भैया वो मुंह से मतलब जो गलती से हो गया था, अपने ज्यादा सीन आने के लिए ये ना ऐसे तो दिखते नहीं है ज्यादा कैमरे में आने के लिए, हम दो की फाइट हो रही हाँ ऐसे वो बीच में आते ना वो वाला कैमरे आपको अंपायर बनाया गया था, इसलिए कि ध्यान रखो उसने स्माइल पास की हंसी तो आपने नोटिस नहीं किया, मैं ध्यान रखना आप अंपायर थे ना तो आपकी गलती है, उस दिन भी पहले दिन आते ही गलती, आज भी सबसे बड़ी गलती, और भैया अपनी गलती भी नहीं मार रही, मैं अंपायर हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं और ऐसे ये करती है, मैं लीडर हूँ तो मैं भी ये कर सकती हूँ, अकड़ दिखा सकती हूँ और ऐसे ये करी, दोनों मैंने ऐसे ही करा, मैं अंपायर हूँ जो बोले एक बार हाँ बे गलत है कुनाले से हाथ लगा एक वो सीन और देखा था मैंने वो भैया ने बोला स्टार्टिंग दिन में आपने हर चीज नोट आपको हर चीज नोटिस करनी चाहिए हाथ नहीं लगा सकता भैया ने क्या बोला ऐसे गुस्से में झगड़ा करे तब नहीं लगाना हाँ भैया आप बता दो अभी गुस्से में नहीं बोल रही है गुस्से में बोल रहा ना अरे तो मैंने इसको बताया कि इसकी बहन भी अभी तो क्या बता रहा है इसकी बहन भी ऐसे आके ऐसे करती तू भी ऐसे करते ये बातें चल रही ना स्टार्टिंग तो बता रहा था और फिर ये अपनी बहन को भी नहीं बोलता ये भी तो बोलती है बीच में अभी तो डांटा था मेरे को अभी इनको डांटा इनको डांटा था अभी अभी मैं बोलूँ फिर आप बोलोगे ठीक है कोई नहीं बोलेगा ठीक है और आप क्या बोल रहे थे मैंने देखा था वो कड़े कड़े वाला हां ऐसा हुआ था तो सच में हुआ था इसने कुछ
डिस्कस हो गया इन दोनों बहन भाई के बीच में, पता नहीं क्या हुआ, और इसने ऐसे बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं पहन रखा मैंने मेरा सब कुछ निकाल दिया, कड़ा पहन रखा था और ये पहन रखा था मैंने, मेरा जेब में डाली और वहां में बैठ गई। और वीडियो में देख सकते हो कि ऐसे करके इसको ढूंढा गया है। चुप रहो, इसने क्या बोला? अंतिमा ने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं पहन रखा। हाँ मैं कुछ नहीं पहन रखा था, इसने इस ठीक है तो फिर सुनो तो सही, अंतिमा ने क्या बोला? आपने कुछ नहीं पहन रखा ना। अरे तो ठीक है मेरी बात तो सुनो, अंतिमा ने बोला मैंने कुछ नहीं पहन रखा, आपने पहन रखा था। हाँ। ठीक है ऐसा तो इनका पहले डिस्कस हुआ था। हाँ। ठीक है अंतिमा ने, वैसे अंतिमा ने बोला मैंने कुछ नहीं पहन रखा। हाँ अंतिमा ने पहन रखा था फिर भी वो नॉमिनेट डेंजर जोन में चली गई। इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अंतिमा ने बोला मैंने कुछ नहीं पहना। इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। ढूंढूंगा तो पता चल जाएगा ये पायल है ये अंतिमा। ठीक है नहीं नहीं पहन रखा होगा तो अंतिमा, तब इसने कर दिया ये, मैं इसको कर रहा हूँ कुछ आप बता रहे हो अंतिमा के हाथ में कुछ है नहीं है तो अंतिमा के हाथ में था क्या कुछ? फिर वो उसे नॉमिनेट ही नहीं करता। अंतिमा के हाथ में होता तो नॉमिनेट नहीं करता। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे को खुद इसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसको कर दिया ना तब इसको मैं बताऊं क्या, ये झूठा टॉपिक उठा रहे अपनी बहन को जानबूझ के डेंजर जोन में क्यों डालेगा? आपने तो कड़ा पहन रखा था। ठीक है सुनो, आपने कड़ा पहन रखा था, उसने बोला कि मैंने कड़ा नहीं पहन रखा। ठीक है ना, तो इसको कड़ा देखकर इसके हाथ में तो कड़ा था ही नहीं ना, फिर तो कड़ा नहीं था। चल गया अंतिमा है, फिर वो क्यों नॉमिनेट करेगा? उसे तो पता चल जाना चाहिए कि अंतिमा है, फिर तो डेंजर जोन में डालने नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता पर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है अपने साथ से। अरे उसने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कड़ा है, कड़ा हो तो फाइल को डेंजर जोन में डाल देना। ठीक है अब उसके हाथ में कुछ नहीं, उसने अच्छे देख लिया आपके हाथ में कुछ नहीं था तो फिर उसको डेंजर जोन में क्यों डाला? समझ गए? ठीक है तो एक छोटी चीज और बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे को ऐसा करना था तो मैंने सबसे पहले सर पे हाथ लगाया था। इसने चोटी कर रखी है और इसने बाल खुले तो मुझे पता चल जाता ये है, तो मुझे मेरे सामने जो पहले है मैंने उसको कर दिया, ये कैमरे में पहले तो ये कुणाल का ऐसे भी देखा मैंने, आप पहले जैसे इशू को टच किया तब आप बोलने वाले थे लेकिन उसकी हंसी की वजह से हाँ मुझे पता चल गया कि हाँ इशू है, पता चल गया तो मैंने इसको करके फायदा नहीं। तो गाइस इन सभी में से कोई एक संडे के दिन छोटे बिग बॉस शो से आउट हो जाएगा। ठीक है तो आप किसे बचाना चाहते हो इन सभी में से, किसे बचाना चाहते हो वो आप वोट करके जरूर बताओ, सपोर्ट करने और मुझे बचाओ प्लीज। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे बचाना, बहुत सारे कमेंट करना कविता, तो मैं आपके वोट से बच सकती हूँ प्लीज। गाइस अब बस आप ही मुझे बचा सकते हो और प्लीज मुझे कमेंट में मेरा नाम, टेंशन मत लीजिए, अभी आपका एक और पार्टनर आने वाला है, चार लोग डेंजर जोन में जाएंगे और संडे तक, गाइस ऐसा नहीं है कि ये अभी वीडियो में नहीं आएंगे, आएंगे वीडियो में, संडे तक सभी होंगे, सारे सभी होंगे, सिर्फ एक जिसके वोट सबसे कम होंगे वो संडे के बाद मंडे को छोटा बिग बॉस एमके हाउस में आपको दिखाई नहीं देगा। समझ गए सभी? हाँ ठीक है ओके गाइस, सबसे ज्यादा वोट करना मुझे, मेरा कविता नाम लिखना मैं बाहर नहीं होना चाहती, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। एक बार फिर से और बता देता हूँ गाइज, ये अभी छोटा बिग बॉस एम के हाउस से आउट नहीं हुए हैं, ये संडे तक आएंगे, संडे के बाद इन सभी में से कोई एक जो डेंजर जोन में है ना, इन सभी में से कोई एक छोटा बिग बॉस एम के हाउस से बाहर हो जाएगा। ओके तो समझ गए सभी, अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय बाय। छोटा फैन का सपोर्ट ले लेते हैं, तूने देखा मैं, तूने बोला कभी तो मैंने बोला।